आज मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ यूपी बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी आलू भुजिया। अगर आप लोग के पास कम टाइम है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और ये बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो दाल चावल अगर आप बना लिए हो, उसके साथ आपको और कुछ नहीं बनाने का मन कर रहा है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और आप झटपट रोटी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले आलू को छील लिया है। आलू को छीलने के बाद हम इसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। काटने के बाद हम इसे एक पानी से और अच्छे से फ्रेश से धो लेंगे। इस रेसिपी को सिर्फ यूपी बिहार में नहीं, अभी सभी जगहों पे इसे बहुत ही पसंद करती है, क्योंकि कम समय में ये बन के तैयार हो जाती है, इसीलिए बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर किसी के पास कम समय हो और कहीं पर जाना हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे काट लिया है और इसको साफ कर लिया है एक पानी से। पानी हमारा पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया था, मतलब अच्छे से आलू हम देख पा रहे थे। हमें इस तरीके से धोना है। फिर हम एक पैन चढ़ाएंगे, पैन में हम डाल देंगे 2 कप पानी और उसके बाद हम उसमें आलू को डाल देंगे। आलू डालने के बाद हम इसे हल्का बॉयल आने तक हम इसे पकाएंगे। उसके बाद हम इसे छान के बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद इसे हम ठंडा करेंगे, मतलब हमें धीरे धीरे से इसे ठंडा करना है। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेंगे। बस उतना देर तक का ही समय हमें इसे रखना है। अगर आपके पास इससे भी कम समय हो तो बॉयल न करें, डायरेक्ट आप कढ़ाई में इसे तड़का लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ाया है, कढ़ाई में हमने डाला है ऑलिव ऑयल। आप इसे मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हो, बहुत ही अच्छी बनती है। उसके बाद हमने यहाँ पर डाला है फोरन के लिए सूखी लाल मिर्च। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलू। मैंने बीच में कढ़ाई को उठा के घुमाया था ताकि सारे जगहों पे ऑयल लग जाए तो हमारे आलू नहीं चिपकेंगे। आप चाहो तो इसे चम्मच की मदद से भी तेल को सारे जगहों पे फैला सकते हो। इससे क्या होता है, आलू हमारा नहीं चिपकेगा। अब इसे हम मिक्स करके इसे लाल होने तक, मतलब ब्राउन होने तक हम इसे पकाएंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर लाल हो गया हमारा, अंदर से फ्राई हो गया है आलू। इसमें हमने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक और हम इसे मिक्स कर लेंगे। मतलब हमारा आलू 50% पक जाए, 50% बचेगा, तब हम इसमें डाल देंगे नमक। उसके बाद हम इसे और पकाएंगे। पकाने के बाद जब हम सर्व करेंगे तब हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर बहुत ही ज़रूरी है। मैं इसे अलग तरीके से बना रही हूँ तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। ब्लैक पेपर बहुत ही ज़रूरी है इस भुजिया में। तो हमने डाल दिया है, डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। ब्लैक पेपर मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे। ढकने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा आलू भुजिया हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और इसे हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म रोटी के साथ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, जितना ही सुंदर है उतना ही टेस्टी लगेगा खाने में। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मिलती है मैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।